Let I be an ideal of Z generated by 24, 36, and 42. Find A such that I an ideal generated by A. तो यहाँ पर हम लिखेंगे since we know that ideal generated by n1, n2, and n3 is equal to ideal generated by GCD of n1, n2, n3. Therefore, ideal generated by 24, 36 and 42 is equal to ideal generated by GCD of 24, 36 and 42. तो हम यहाँ पर इन तीनों ही संख्याओं का GCD निकाल लेते हैं. यहाँ लिखेंगे by Euclid's division algorithm, क्या पहले हम 24 और 36 का निकालते हैं जीसीडी. तो 36 को ए की जगह ले लेते हैं, बी की जगह 24. तो 24 से वन टाइम में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में कितना बचेगा 12. इसी तरह से यहाँ पर ए की जगह 24 आ जाएगा, बी की जगह क्या आ जाएगा 12. 12 से टू टाइम में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर में जीरो. तो इस तरह से हमें यहाँ पर जी सी डी ऑफ 36 एंड 24 क्या प्राप्त होता है 12. अब हम क्या करेंगे, इस 12 और 42 का जी सी डी निकालेंगे. नाउ 42 इज इक्वल टू 12 से इसे डिवाइड करते हैं, थ्री टाइम्स में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा रिमाइंडर में क्या बचेगा 6. और फिर यहाँ पर ए की जगह 12 और बी की जगह क्या आ जाएगा हमें 6. 6 से ये टू टाइम्स में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर में 0. इस तरह से हमें यहाँ जी सी डी क्या प्राप्त होता है 42 और 12 का 6 प्राप्त होता है. तो हम क्या कहेंगे, जी सी डी ऑफ 24, 36 एंड 42 इज इक्वल टू 6. यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आइडियल जनरेटेड बाय 24, 36 एंड 42 इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय जी सी डी ऑफ 24, 36 एंड 42 क्या निकला हमें 6. तो आइडियल जनरेटेड बाय 6. यहाँ लिखेंगे हैंस ए इज इक्वल टू, ए की जगह हमें यहाँ क्या आ गया है 6 है. Thanks for watching.